मन मेरे फूले कपट न की जय, कपट न की जय। मन मेरे फूले कपट न की जय, कपट न की
कर पर तन लियावे। बाबा कबीर जी प्रमाण करते हैं, मेरे मन हृदय विच कपट ना रख, कपट माड़ा है। पावन गुरबाणी फरमान करती है कि अंत वेले लेखा जड़ा है वो तैनू देना पैना है, परमात्मा ने लेखा मंग लेना है। कि दुनिया झूठी है, ये संसार स्वप्न मात्र है, सुपने की न्याई है। साहब कहते हैं धर्म राय जब लेखा मांगे त्या मुख लेके जाएगा, मन मेरे पुले कपट ना कीजे। बाबा कबीर साहब फरमान करते हैं फरेब धोखे करके इंसान अपने परिवार की पालना करता है, कई प्रपंच रचता है किस वास्ते, ये कूड़ी माया इकट्ठी करने वास्ते। बहु प्रपंच कर पर तन लिया, लिया लिया के अपने परिवार को खुश करता है। ते साहब कहते हैं पावन गुरबाणी विच मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत न बेरा तेरे जी पै लीजे। मन मेरे भूले कपट न कीजे, ना कीजे भाई कपट ना कर, छल वाले ना कर, क्योंकि अंत वेले जदों इस शरीर नू छड़ना है, माल पान जोरिया पया परा कीता है सब पराया हो जावे। लखां करोड़ां बादशाह कहते हैं एक कौड़ी नाल नहीं जाने, नांगे आमन नांगे जाना। कोई नारह है राजा राणा, ना कोई धन नाल लेके आया है, ना किसी ने लेके जाना, ना को ले आयो ए धन, ना को ले जात। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, किना वास्ते कपट करदा है। ये जो तो कुटुंब देख रहे हैं ना, साहिब गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं क्यों कुटुंब तू जे देखदा, वड परिवार पूत अर तियां, पुत्र तियां कितना वड्डा परिवार। सह पावन बाणी विच कहंदे हन रावण दा कितना वड्डा परिवार सी। सह कहंदे हन 100,000 पूत 125,000 नाती तह रावण पर, दिया ना बाती कोई दीवा जगाउण वाला नहीं।
कर्म करके एकत्र कर रहे हैं, छल वल करके, धोखा करके, मनो होर है, बारों होर है, भाई लेखा देना पवेगा। सतगुरु जी कहते हैं इस दुनिया के वास्ते इंसान अपना दीन धर्म सब कुछ छड़ बंदा है। दुनिया कारण दीन गवाया, दुनिया कारण दीन गवाया, दुनिया के वास्ते अपना दीन मजहब सब कुछ छड़ बंदा है। इस वास्ते मेरा परिवार खुश रहे, मेरा कुटुंब खुश रहे। सब कहते हैं एहो कुटुंब कुछ देखता चले ना ही तेरे नाल, एक कुटुंब अंत वेले तेरे नाल नहीं जाना। जितना चिर तू कमाई करता है, मात पिता भाई सुत बनता ये सारे साहब कहते हैं चोग चुग हैं, ये सारे चोगा चुग रहे हैं। आनंद सिंह जुगता बड़े आनंद के नाल आपो अपना लेखा ले रहे हैं। साहेब गुरु तेग बहादुर महाराज प्रमाण करते हैं ये जग मीत ना देखियो कोई, भला इस जगत ते कौन किसी का मित्र है, इस जगत विच कौन किसी का बेली है। ये जग मीत ना देखियो, संसार वाल झात मर के सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं सगल जगत अपने सुख लागियो, सारा संसार आप अपने सुखा नूं ग्रहण करन वास्ते, सुख प्राप्त करन वास्ते दौड़िया फिरता है, भज्जा फिरता है। सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग नहीं, दुख विच कोई संगी नहीं, दुख विच कोई नेड़े नहीं टुकदा। दातार जी कहते हैं जितना चिर कुछ कोल है, संपत्ति धन आदि कोल है, उतना चिर बाबा जी कहते हैं ये तेरे हैं। दारा पत्नी मीत मित्र पूत पुत्र संबंध रिश्तेदारियां, इन्हां सारियां दा जोड़ पातशाह कहते हैं तेरे धन के नाल है। जे तेरे कोल धन है तो यह तेरे हैं। इस संसार दे विच लैण देण तो बिना बड़ा सोहना साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन बाणी दे विच फरमान करते हैं दर्शन देखे दया ना होए, दुनिया दे विच साथ संग जीओ लै दित्ते बिन रहे ना कोई। राजा न्याय करे कलयुग का जमाना हाथ होए, जे कुछ हाथ विच है तो न्याय इंसाफ उहदे हाथ विच हो जाता है। भावें कितने कोई खुदा दे वास्ते पाई जावे कि मैं सच्चा हाँ कह खुदाए, इस युग दे विच ना माने कोई। तो पातशाह कहते हैं दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यों लगे, जे तेरे कोल धन है ताए सब तेरे हैं। जब ही निर्धन देखियो नरको, जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे, जब ही निर्धन जो देखते हैं इहदे कोल धन नहीं। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं संग छाड़ सब पागे, जे सुख होवे जे धन कोल होवे चौवां दिशा तो इंसान नूं सब घेर लेंदे हैं। साहिब पावन गुरु
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਉਪਲਿਆ ਬਿਪੁੱਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਢਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਿਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਓਕ ਮੈਨੇ ਹੁੱਕ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਭਾਈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪ ਹੈ ਸਵੇਰਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ